हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे ये ब्लाउज़ के लिए हमने ये स्लीव्स कटिंग की है, तो ये स्लीव्स ब्लाउज़ को कैसे जॉइंट करते हैं ये देखते हैं। क्योंकि कोई कोई बोलता है कि ये कम ज़्यादा होती है, तो ये कैसे होती है और इसको कैसे स्टिच करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले हमने ये फ्रंट साइड और बैक साइड, जैसे ब्लाउज़ की जो फ्रंट साइड हमने ये ब्लाउज़ हमने सिल के रखा हुआ है, तो ये फ्रंट साइड हमने तैयार की है और ये बैक साइड है। तो पहले हमें इसका शोल्डर जॉइंट करना पड़ता है। स्लीव्स जब हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे तो उससे पहले हमें शोल्डर जॉइंट करना पड़ता है। तो अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो आर्मोल है, ये जो आर्मोल है स्लीव्स का ब्लाउज़ का, तो यहाँ पे हम ये स्लीव जॉइंट करेंगे। तो स्लीव जॉइंट करते वक्त जैसे ये जो ऊपर का भाग है ये बैक साइड है, और ये एक इंच का हमने जो शेप दिया है ये फ्रंट साइड है। जैसे ये जो यहाँ पे जो शेप हमने दिया है ये फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ता है, जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करने के बाद पहले हम उसका सेंटर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये जो फ्रंट साइड है, तो यहाँ पे ये आगे के साइड में आएगी और ये बैक साइड में आ जाएगी। तो आप जब यहाँ से आप शुरू करेंगे लगाना स्लीव्स को, यहाँ से आप जॉइंट करना शुरू करेंगे, तो कोई कोई क्या करता है, ये ज़्यादा खींचता है, ये बराबर दोनों साइड बराबर नहीं आती, इसीलिए भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये शोल्डर जॉइंट किया है, शोल्डर जॉइंट जो किया है यहाँ पे हम स्लीव्स का सेंटर रखेंगे। हम ये स्लीव्स सेंटर से जॉइंट कैसे करते हैं ये दिखाते हैं। तो इसको हमें पहले सेंटर से जॉइंट करना है। तो ये जो है ये फ्रंट साइड है और ये जो है ये बैक साइड है। तो पहले हम सेंटर से इसको जॉइन करेंगे। ये जो शोल्डर को जॉइन किया है यहाँ पे हम सेंटर रखेंगे और क्वार्टर इंच छोड़ के इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। ये ज़्यादा खींचना भी नहीं है, दोनों भी एक जैसे ही रखने हैं, लेकिन जैसे हमने शेप दिया है बाजू का उसी तरह से उसको घुमा के इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये एकदम सेंटर से एकदम बराबर आती है। अब सेंटर से फिर वापस हम दूसरे साइड में इसको सिलाई लगाते हैं। अभी यहाँ पे भी हम इसको सिलाई लगाते हैं। एकदम परफेक्ट स्लीव्स आती है। अब इसके ऊपर हम पूरी एक बार सिलाई लगाते हैं शुरू से।
एक्स्ट्रा जो धागे हैं उसको हम कट करेंगे। इस तरह से ये स्लीव्स को हमें ब्लाउज को अटैच करना है। फिर उसके बाद ये जो बॉटम होता है, स्लीव्स का जो बॉटम होता है उसको थोड़ा सा फोल्ड करना है। इस तरह से हमने ये फोल्ड किया है, क्वार्टर इंच हमने इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ पे इसको हमें इस तरह से एक बार और फोल्ड करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, पहले कच्ची सिलाई लगाते हैं फिर उसके बाद इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे। तो हम ये सेंटर से लगाएंगे क्योंकि ये बाद में खोलनी है। इस तरह से हमने ये जैसे शोल्डर जॉइंट किया था, शोल्डर जॉइंट करने के बाद ये स्लीव्स हमने इसको बिठाई है। तो ये बराबर जैसे आर्म होल में भी एकदम बराबर आती है दोनों साइड से। अब इसको हमें यहाँ पे इसको जॉइंट करना है। तो आप इस तरीके से स्लीव्स को बिठाओगे तो आपको बिल्कुल स्लीव्स ये कम ज़्यादा नहीं होगी। तो दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से ये स्लीव्स जॉइंट करते हैं। ये देखिए, ये हमने इसी तरह से ये स्लीव्स को जॉइंट किया है, जैसे शोल्डर को जॉइंट करके फिर यहाँ हमने इसको पूरे में सिलाई लगाई है। तो एकदम ये बराबर आती है। तो हमने ये आज स्लीव्स को कैसे जॉइंट करना था ये आज हमने देखा है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।